नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अंगूर की सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। एक कटोरी अंगूर को धोकर के रख लिया है, दो प्याज को बारीक काट लिया है, 3-4 लहसुन की कलियाँ, जीरा, 3 टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है। गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देने हैं लहसुन। अब डाल देना है जीरा, इसे भी थोड़ा सा चटकने देंगे। जब लहसुन और जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसी में डाल देना है प्याज और इसे भी इस तरीके से मिला लें। और जब प्याज भी इस तरीके से हो जाए, सुनहरी, हल्की सुनहरी हो गई है, तो अब इसमें हमको डाल देना है टमाटर और नमक और इसे भी चला लें इस तरीके से। अब इसे ढक करके रख देंगे ताकि हमारा टमाटर गल जाए और गैस को थोड़ा सा मंदी कर देंगे। अब हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं और प्याज व्याज भी सब पक गई है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे हम रख देंगे, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको पीसेंगे। फिर से पैन रखेंगे और उसमें तेल डालेंगे और गैस को ऑन करेंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो जाए तो उस गैस को थोड़ी सी मंदी कर देना है और इसमें डाल देना है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला। इन सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस को मंदी रखेंगे। गैस को तेज़ नहीं करेंगे और नहीं तो ये हमारे जो सूखे मसाले हैं वो पूरे जल जाएंगे। अब इसमें डाल देना ये पेस्ट। तो ये पेस्ट को हमने पीस लिया था और इसे इस तरीके से चला लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है, तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो जो हमने मसाला इसमें पीसा था तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको वो कर चला करके हम इसमें डाल देंगे और आधी गिलास पानी और ऐड करेंगे और इसे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये भी नमक डाला था तो अब हम नमक इतना सा और डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा। और इसे भी इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब हम डाल देंगे इसी में अंगूर और थोड़ा सा चला लेंगे, ढक देंगे और गैस को मद्दी कर देंगे। मद्दी गैस पर पकेगा तभी अंगूर हमारा गल पाएगा अच्छी तरीके से और इसको हम पकने देंगे। ये देखिए, अब हम इसको खोल करके चेक करेंगे। इससे पहले मैंने इसको दो बार खोल करके और चला लिया था। ये अंगूर कितने अच्छी तरीके से फूल गए हैं, कितने पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। तो हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। ये हमारी अंगूर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। थोड़ी हरी धनिया से गार्निश कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी बहुत ही टेस्टी अंगूर की सब्जी बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।